वर्ल्ड टीवी सब पे नजर अंदर की खबर। दादू में 10 दिनों से म्यूनिसिपल और पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बायस शहर में हर तरफ कचरे के ढेर। शहर के कारोबारी मराकज के सड़कों पर ड्रेनेज का गंदा पानी जमा होना मामूल बन गया। मसन रोड ड्रेनेज स्कीम के क्वीन की सफाई ना हो सकी। दादू पब्लिक हेल्थ, दादू म्यूनिसिपल करोड़ों का बजट होने के बावजूद भी दादू शहर को वाटर सप्लाई, पीने का पानी और बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मलाकी इस रिपोर्ट में। नाज़रीन A1 टीवी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दादू असगर खान मला, इस वक्त हम मौजूद हैं दादू सिटी की एक डिस्पोजल स्कीम पर जिसको दादू पब्लिक हेल्थ चलाती है। मानसून की बारिशों के बावजूद इनको दिल्ली हुकूमत की इंतजामिया की तरफ से हिदायतनामा भी मिला था, मगर अफसोस अभी जन स्कीम पर मौजूद हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो अभी तक इन्होंने खूह की सफाई नहीं की। ये देखिए, आप खुद देखिए कि कितना इसमें कचरा है, तो ये कैसे पानी की डिस्पोजल होगा। आए दिन दादू शहर के रोड रस्तों पर गंदा पानी होता है, क्योंकि यहाँ से सही पानी रवा होता नहीं है। कितना कुएं में कचरा पड़ा है आप देख रहे हैं, आप दिखाएं इसको, कितना कुआ है, कचरा है इसमें कुएं में, तो इतने कचरे में ये कैसे पानी होगा, ये नामुमकिन नहीं है। हालांकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपए की बजट मिलती है सालाना, मगर ये इनका हाल देखें तो एक कुएं कोई भी सफाई है। अभी हमने एक डिस्पोजल स्कीम मसलना का विजिट किया है, अभी दूसरी स्कीमों का भी विजिट करेंगे। जी वर्ल्ड टीवी सब पे नजर अंदर की खबर।